क्या आपको करेला पसंद है? जिसे करेला पसंद नहीं उसे ये वीडियो शेयर करिए। गारंटी है बिना कड़वाहट के करेले इतने लाजवाब बनेंगे कि सभी उंगलियां चाट के खाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका ओशो फैमिली किचन में। आज हम आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं जो है बिखरे करेले। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। बिखरे करेले बनाने के लिए हम लेंगे 7 से 8 करेले, 3 लाल प्याज, 5 हरी मिर्च, 8 से 10 कली लहसुन। अब सबसे पहले हम करेले को अच्छे से धो करके छील लेंगे। करेले हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। करेले का जूस पीने से वजन भी कम होता है। फिर इसके साइड को कट कर लेंगे और बीच से कट करके इसमें चीरा लगा देंगे। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, कुछ इसी प्रकार से हम सभी को कट कर लेंगे। अब हम बिखरे करेले बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। हम लेंगे कुछ खड़े मसाले, 3 बड़े चम्मच खड़ी धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा। इन मसालों को हम मीडियम आंच पर खुशबू आने तक अच्छे से भूंज लेंगे। भूंज लेने के बाद इसे आप ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो इसको पैक करके भी लेके जा सकते हो। ये 4 से 5 दिन तक खराब नहीं होता है, इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। अब हम प्याज को रफली कट कर लेंगे, मिर्ची को कट कर लेंगे। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे कच्ची गेरी और थोड़े से कुछ लहसुन डाल के इससे दरदरा पीस लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसमें हमने जो खड़े मसाले कूटे थे उन मसालों को इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे 1/2 चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच अमचूर, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन मसालों को कटे हुए करेले में भर देंगे। इस प्रकार से सभी करेले में मसाला भर देंगे। यहाँ हमारे सभी करेलों में मसाला भर के रेडी है। इसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप अपने हिसाब से आपके घर में जो तेल है आप वो यूज कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें सारे करेले को एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। आंच को स्लो कर देंगे और 5 मिनट तक ढक के इसको अच्छे से पकने देंगे। करेले हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। करेले का जूस पीने से वजन भी कम होता है और करेला खाने के कई लाभ भी है। ये सब्जी शुगर के मरीजों के लिए किसी दवा से कम नहीं है। इसमें विटामिन सी, आयरन, जिंक और पोटेशियम पाए जाते हैं। करेला ना सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है बल्कि खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे यहाँ गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। और हल्के हाथों से सभी करेलों को एक एक करके पलट लेंगे। अब जो मसाले बचे हुए थे उन सभी मसालों को भी इसमें डाल देंगे और वापस से 5 मिनट के लिए इसको ढक के अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हो हमारे बिखरे करेले पक के तैयार हैं। इसे आप निकाल के सर्व कर लेंगे। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।